गाड़ी यहाँ से डायरेक्ट आते जाते हैं, सब पूरा लूट जाती है दुकान यहाँ से पूरा। हम लोग तो बोलिए यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बोलिए आने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ एक सब्जी मार्केटिंग पे वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। तो वो है मार्गरेटा पे। मैं सब्जी बाज़ार में इसलिए जा रहा हूँ, इसलिए उस जगह पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वैसा ही एक सेम मार्केट है अपने दूसरे देश में, जो कि थाईलैंड में है। तो वो सब्जी बाज़ार ऐसे जगह पे है, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ वहाँ पे और दिखाता हूँ कि सब्जी बाज़ार में ऐसे क्या बात है जो मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ और वहाँ की वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो गाइस, वीडियो बनाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, जो थाईलैंड में जो सब्जी बाज़ार है वो सिर्फ थाईलैंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग जाते हैं वहाँ पे उस सब्जी बाज़ार में, उस सब्जी मार्केट को देखने के लिए वहाँ के। तो चलो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि वो मार्केट कहाँ पे। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजे नंदी का ब्लॉग। स्वागत से करेंगे सबका स्वागत। तो गाइस, वीडियो पर बने रहो। अभी मैं हूँ रोड पे, आप देख सकते हो। तो रोड पे हूँ, अभी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे गाड़ी आए तो हम चलने के लिए तैयार हैं। और सुबह सुबह उठा और नहा भी लिया, ठंडी पानी से नहाया तो बहुत ठंड लग रही है। अभी देखता हूँ कब तक आता है, तब तक। तो गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 7:05 और मैं घर से निकला हूँ 5:30 बजे से। 5:30 बजे मैं घर से निकला हूँ। तो सुबह तो घर में कुछ बना नहीं है, तो यहाँ पे आया था नौ पोखरी में, तो नाश्ता कर लिया। तो नाश्ता करने के बाद अब जा रहा हूँ बस स्टॉप, वहाँ से गाड़ी पकड़ते हैं। बहुत लेट हो गया, वहाँ पर भी जाने के लिए 2.5 घंटा लग ही जाएगा। तो चलो चल के देखते हैं और कितना टाइम लगता है। तो पहले वोट हो गया, 7:00 बज चुका है। अगर मार्केट में अगर सही जगह पे सही टाइम पे अगर नहीं पहुँचोगे तो फिर जाने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो जाके हम देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और यहाँ से अगर गाड़ी मिल जाए, ये देख सकते हैं, ये नौ पोखरी का गेट है, रेलवे गेट। तो चलो चल के देखते हैं। तो गाइस, अब देख सकते हो, अभी मैं मोबाइल को ले लिया स्टैंड पर और अभी अच्छा व्यू और जूम हो रहा है। तो गाइस, अभी गाड़ी तो बहुत आ रही है, तो अभी थोड़ी देर आपको दिखा रहा हूँ। वो आगे में है बस स्टॉप, तो वहाँ से हम जा रहे हैं जल्दी जल्दी। टाइम बहुत हो रहा है, 7:10 हो गया। ये रिजर्व का गाड़ी है। तो चलो, बस स्टॉप जाने के बाद में आप लोग को दिखाने के लिए गाड़ी मिल गए है मार्गरेटा के लिए। आप देख सकते हो पूरा खाली है सीट। तो अभी यहाँ पे स्टॉप में है और थोड़ी देर में छोड़ने वाला है। पैसेंजर की तो बड़ा नहीं है, ये स्टॉप है आपको देख रहा हूँ। और आपको बाहर से एक कहाँ गया है ये ग्लास, यहाँ से हर जगह पर जाता है, जागुन, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी के बाहर, अरुणाचल का भी गाड़ी आपको यहाँ से मिल जाएगा। आगे तरफ भी बस स्टॉप है। तो मैं बैठता हूँ किधर। ऐसा अगर आप ब्लॉग बनाते हो तो एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दे दूँगा। ये कैमरा वीडियो के लिए बेस्ट एप्लीकेशन है जिसका नाम है ओपन कैमरा। तो आप प्ले स्टोर से भी जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हो और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा इस वीडियो के। या देवता, कृपया करके उठ जाए, सुबह के 8:00 बज रहे हैं। तो गाइस, मैं फाइनली आ गया हूँ जगह पे जहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं अभी आया हूँ मार्गरेटा, और मार्गरेटा के आप देख सकते हो, मैं रेल जो पटरी है, रेल पटरी के बीचों बीच खड़ा हूँ, जो मेरे नीचे आपको नदी दिख रहा है।
और उस साइड में वो ब्रिज है जो गाड़ी आना जाना करते हैं, और मैं अभी इस जगह पे खड़ा हूँ रेल पटरी के बीचों बीच, और मुझे अभी जाना है उस साइड में जहाँ पे जिस मार्केट को आपको दिखाने वाला हूँ। तो सेम टू सेम ये थाईलैंड में ऐसा एक मार्केट है, तो वही मार्केट हमारे इंडिया के आसाम स्टेट और सिटी में भी घिरता है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो मार्केट कहाँ पे है। ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से इस रास्ते से सीधा जाना पड़ता है। तो ये साइड है, आपको ये साइड अलग रास्ता मिल जाएगा, और ये वाला जो रास्ता है यहाँ पे डायरेक्ट सीधा आपको सब्जी मंडी दिखेगा। तो मैं यहाँ से लेकर आपको चलता हूँ और थोड़ा सा नज़ारा भी दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। देखिए पूरा नदी है ये मार्केट का की। एजे नंदी का ब्लॉक, एजे नंदी का ब्लॉक, ब्लॉक। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा सब्जी बाजार लगा हुआ है, सेम टू यहाँ पे आपको जैसा दिख रहा है इस बाजार में, सेम टू सेम ऐसे एक थाईलैंड में भी मार्केट लगता है। और जैसे गाड़ी यहाँ से डायरेक्ट आते जाते हैं सब तुरंत उठ जाती है दुकान यहाँ से पूरा, आप देख सकते हैं। मैं आपको पूरा व्यूज दिखाता हूँ, यहाँ का नज़ारा देखिए। मैं उस पीछे साइड से आया था और मैं अभी ये रेल पटरी के बीचों बीच खड़ा हूँ। यहाँ की चारों ओर की तरफ देखिए सब्जी बाजार लगा हुआ है और उधर मार्केट भी है। हमारे इंडिया में भी बहुत चीज़ें होती है, तो बस हमें देखने की एक नज़ारा चाहिए। थाईलैंड को पॉपुलर भी जैसे आप लोग दुनियादारी यहाँ पे जा रहे हैं, लोग वहाँ पे देखने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आइए, यहाँ पे भी विजिट कीजिए। ये आपको जगह आपको मिल जाएगा आसाम के अंदर तिनसुकिया सिटी मार्केट पे है, आप देख सकते हैं। से मैं रेल पटरी के बीचों बीच खा रहा हूँ, देखिए रेल पटरी के बीचों बीच यहाँ से भी रेल गुजरती है, और यहाँ की जो दुकान है कुछ मिनटों कुछ सेकंडों के लिए उठ जाती है, फिर से वही दुकान यहाँ पे फिर से लग जाती है। सेम वैसे ही है जहाँ का आपको थाईलैंड में आपको मिल जाएगा। अब यूट्यूब में देखते हैं उनके साइट। और नीचे में भी आपको मार्केट मिल जाएगा, नीचे में अभी आपको डेली बजट दिख रहा है, दुकान में भी है। तो देखिए ऐसे ही लगता है बाजार, यहाँ पे रोज का बाजार है यहाँ पे। और ये इसी रास्ते ट्रेन गुजरती है तो कुछ मिनटों के लिए यहाँ की दुकानदार जो होते हैं तो साइड हो जाती है। और अब देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे दुकान लगाया जाता है, कितना मुश्किल होता है यहाँ पे दुकान लगाने में, फिर भी लगाते हैं। तो यहाँ पे भी आइए, थोड़ा सा देखिए यहाँ का भी, थोड़ा सा विजिट कीजिए। क्या करता है मोबाइल लेके? वीडियो बना रहा है। क्या कौन न्यूज में देगा? यूट्यूब पर। यूट्यूब पर चतुरु क्या कोई समस्या लिखेगा क्या? नहीं, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, वीडियो बनता है ऐसा ही। एक मार्केट थाईलैंड में भी है उसी का, हाँ तो वही मार्केट यहाँ पे, वहाँ पे लोग दुनिया के लोग जाते हैं देखने के लिए। तो हम चाहते हैं कि हमारे देश में भी ऐसा लोग आए देखने के लिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए हमारे व्यूअर्स को। क्या बोलेंगे, देखो यहाँ बाजार बैठते हैं रेलवे के सामने हर जगह में, देखो बीच बीच में आके उठा भी देते हैं, लेकिन जगह शुरू से मतलब यहाँ नहीं है, लेकिन देते थे भाई आए वो लोग को, जगह जाते नहीं है, यही जगह आते हैं सब मार्केट करने, तो इसीलिए हमेशा उठा देने का बात भी यहीं दौड़ दौड़ के आ जाते हैं। तो जैसे कि अब जानते हैं थाईलैंड के जो बाहर के जो कंट्री के लोग होते हैं, वो लोग भी थाईलैंड में जाके सब्जी तो खरीदने जाते हैं, साथ में उसको मार्केट को पॉपुलर करने के लिए, देखने के लिए, शो करने के लिए भी जाते हैं। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में भी ऐसा लोग आए और जरूर 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 यहाँ पे विजिट करें, विजिट करें, आके देखे सब, है कि नहीं? सब भी आके देखे, सब चाहेंगे कि वो अच्छा हो, अच्छा हो, लेकिन ये प्रॉपर प्लेस नहीं है, मार्केट का प्रॉपर प्लेस नहीं है ये। नहीं, यहाँ पे तो रोज ही बैठता होगा ऐसा? हाँ हाँ, रोज रोज का मार्केट है, ये संडे मार्केट है, थोड़ा ज्यादा होता है। अच्छा, थैंक यू अंकल। तो गाइस जैसे कि आपने अपने लोगों ने देखा और अभी अंकल जी ने जो बताया
यहाँ पे रोज बाजार होता है, और कभी कभार मतलब प्रॉपरली मतलब परफेक्टली यहाँ पे नहीं होता है, कभी कभार यहाँ पे उठ जाना पड़ता है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि देखिए ये रेल पटरी है, और जैसे दुनिया के लोग, सिर्फ हमारे देश के नहीं, दुनिया के लोग जब भी थाईलैंड में जाते हैं तो उस मार्केट में विजिट करते हैं, देखने जाते हैं, इतनी खूबसूरत मार्केट है। तो ये भी कोई खूबसूरत से कम है क्या? तो हमारे इंडिया भी किसी से कम है क्या? तो कभी भी अगर आप आते हो स्टेट में तो यहाँ पे आके विजिट कीजिए, यहाँ से सामान खरीदिए और इस जगह को भी पॉपुलरिटी दीजिए, नाम कीजिए, आप देख सकते हैं। और मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो इस वीडियो के लिए भी एक मेहनत के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अभी मैं वो मार्केट साइड में भी जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का नज़ारा क्या है। नज़ारा तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया है ना। कुछ दुकानें खुल रहा है धीरे धीरे, कुछ दुकान बंद है। यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप एक बार विजिट कीजिए इस जगह को। आप बोलते हैं घूर क्या हो, आप क्या बोल घूर क्या आएगा? आप देख सकते हैं यहाँ पे सब टाइप की दुकान आपको मिल जाएगा, गारमेंट्स मिल जाएगा, सब्जी से लेकर एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं तो हमें पूछो, बहुत अंदर तक बाजार है, चलिए मैं आपको अंदर तक लेकर चलता हूँ। कितनी लंबाई तक है मैं वीडियो में वो पूरा आपको दिखाता हूँ, कितनी अंदर तक है। तो मैं पॉइंट सेट का कैमरे को ऑन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आपको पूरा सैंडल का आइटम वैराइटीज मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इधर का ले लीजिए जरा, अच्छा चलो लो। न्यूज क्या है भैया? आपको दुकान कौन सा है? ये वाला मैं भी दुकान का फोटो लीजिए, भाई भाई का फोटो है, सबका ले लेंगे, सबका ले लेंगे। बाप बेटा है, बाप बेटा चाचा बच्चे हैं हम लोग। तो बोलिए यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बोलिए आने के लिए यहाँ पे। तो चलिए हम लोग आगे जाके देखते हैं। मजा भी देगा नहीं? मजा का अलग दाम लगेगा, देना यहाँ बांधना। तो गाइस फिर से मैं आ गया हूँ रेल पटरी पर, वही सब्जी मार्केट पर, आप देख सकते हैं। यूट्यूब वीडियो, ब्लॉग चैनल, डबल पोशन। अब यहाँ तक से शुरू होता है और आखिरी तक इतनी लंबाई रास्ता है, पूरी लंबाई रास्ते पे आपको ऐसे ही इसका बाजार मिल जाएगा, सेम टू सेम बाजार है। लोग बोलते हैं कि नहीं इधर कभी है ही नहीं, इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ और यहाँ का जो मार्केट है, यहाँ की जो बाजार है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया है। तो मैं अभी फाइनली यहाँ पर वीडियो जो ब्लॉग बना रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं आप लोगों को बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि अगर कभी भी आप यहाँ पे आते हो तो इस मार्केट को एक बार आसाम तिनसुकिया की, तो ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कमेंट नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कर दो। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, जब भी मैं ऐसी ब्लॉग बनाता हूँ तो सबसे आगे नोटिफिकेशन अब तक पहुँचे। तो चलो गाइस मैं यहाँ से चलता हूँ और फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट लोकेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।